हम औद्योगिकरण का युग देख रहे हैं, उसके अंतर्गत उपनिवेशों में औद्योगिकरण को देखेंगे कि उपनिवेशों में औद्योगिकरण का क्या योगदान था और उपनिवेश में किस तरह से औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। जिस तरह से हम उपनिवेश में देखेंगे, जिस उपनिवेश क्या था, हमने ये भी आपको पहले बता चुके थे कि उपनिवेश वह होता है जो एक बड़ा देश होता है, वह जो अपने दूसरे देश छोटे छोटे देशों को अपने कब्जे में ले लेता है, वह उनका उस देश का उपनिवेश कहलाता है। क्योंकि उस उपनिवेश में जो है, या उस राज्य देश में जो है, वह जो जिस देश के कब्जे में होते हैं, वह उनका शासन या अनुशासन वहां पर चलता है। फिर यहाँ हम देखेंगे, जब यहाँ पर हम कारखाना उद्योग के साथ साथ गैर मशीनी क्षेत्र पर भी ध्यान देंगे, जिसमें कि हमारा अध्ययन जो है मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग के अंदर तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसके आगे भी दूसरी चीजों को हम देखेंगे। फिर यहाँ देखेंगे भारतीय कपड़े का युग। भारतीय कपड़े का युग क्या है? यहाँ पर मशीनी उद्योग में युग में पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का दबदबा रहता था, क्योंकि यहाँ पर देशों में जो मोटा कपास है वह पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास जो महीन किस्म का था। यहाँ पर आप लोग सुने होंगे कि मलमल का कपड़ा जो है भारत में ही उत्पादित होता था, और वह सिर्फ एक अंगूठी से भी वह पूरा कपड़ा आसानी से निकल जाता था, मतलब इतना बारीक होता था, इतना सॉफ्ट या इतना नरम वह होता था। इसलिए कहा गया कि यहाँ का कपास जो है महीन किस्म का होता था, और इसकी मांग जो है विदेशों में भी बहुत ज्यादा होती थी। तीसरे से इंग्लैंड ने हमारे यहाँ से भी लाभ बहुत ज्यादा कमाया था। फिर यहाँ जो बने हुए महीन कपड़ों के जो थान जो होते थे, जो महीन कपड़ों के जो थान होते थे, ऊँटों की पीठ पर लादकर पश्चिमोत्तर सीमा में पहाड़ी दर्रा और रेगिस्तान को पार करके वहां पर ले जाए जाते थे। इस तरह से औपनिवेशिक बंदरगाहों में भी यह समुद्री व्यापार चलता था, जिससे गुजरात के तट पर स्थित सूरत और बंदरगाह के जरिए भारत की खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों तक वहां पहुंचाया जाता था। इस तरह से पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशियाई में बंदरगाहों को व्यापार चलता था, मतलब बंदरगाह के माध्यम से ही व्यापार आसानी से होता था। फिर निर्माण व्यापार में भी इस तरह से नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी बैंकर सक्रिय हो गए थे, जिसमें की चीजों में मतलब उत्पादन में उन लोग क्या करने लगे थे, पैसा लगाने लगे थे, और माल भी भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए भी बंदरगाह नगर देश में इलाकों से भी जुड़े हुए होते थे। इस तरह से हम देखेंगे कि बुनकरों से कपड़ा तैयार कराकर उनसे खरीदते थे, और वे उसे कहाँ तक पहुँचाते थे, बंदरगाहों तक पहुँचाते थे, जिससे बुनकरों को पेशगी दी जाती थी ताकि वह माल को जल्दी से जल्दी वे तैयार कर सकें। साथ ही साथ हम यहाँ देखेंगे कि जो भारतीय 1750 के दशक में भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क जब टूटने लगा था, तो वहां पर कंपनियों की ताकत जो है वह बढ़ती जा रही थी, और पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों के कई तरह की रियासतें भी हासिल की थी, जहां पर उन्होंने व्यापार करने के लिए इजाजत हथियार जो अधिकार था वह प्राप्त कर लिया था, और इस तरह से वहां पर जिस कर्जे से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा था, और धीरे धीरे स्थानीय बैंकर जैसे दिवालिया हो गए थे, क्योंकि आखिरी सालों में सूरत के बंदरगाह में जो थे व्यापार का जो था कुल मूल्य जो है वह 1.6 करोड़ रुपए था, और 1740 के दशक में यह गिरकर केवल 30 लाख रुपए रह गया था। मतलब इस तरह से जो स्थानीय बैंकर थे उनमें दिवालिया घोषित होने लगे थे। फिर आगे हम देखेंगे सूरत और हुगली जो था यहाँ पर काम तो बम्बई और कलकत्ता में स्थित जो सुधार हो रही थी, वहां पर पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहों में बढ़ता महत्व जो था औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत के संकेत दे रहे थे, क्योंकि जो यूरोपीय व्यापारी जो आए थे वे सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर शासन करने की वे सोचने लगे थे, और भारत को भी एक उपनिवेश के रूप में यहाँ पर शासन करने की वे सोचने लगे थे। इस तरह से बुनकरों व अन्य कारीगरों की जिंदगी की किस तरह से प्रभावित किया यह हम देखेंगे। बुनकरों का क्या हुआ, मतलब उस समय जो इंडिया में जो बुनकर थे उनका क्या हुआ? 1760 के दशक के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता का सुदृढ़ीकरण की शुरुआत की, तो वहां पर कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई, बल्कि ब्रिटिश जो है कपास उद्योग में और फैलना शुरू नहीं हुआ था, और यूरोप में बारीकी भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी, इसलिए कंपनी भी भारत में होने वाले कपड़े के निर्यात को और भी फैलाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ का जो कपास का उत्पादन होता था उसकी मांग जो है विदेशों में या उत्तर पूर्वी पश्चिमी देशों में बहुत ही ज्यादा मांग थी। इस तरह से 1760 और 1770 के दशक में जैसा बंगाल और कर्नाटक की राजनीतिक सत्ता जो थी स्थापित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने निर्यात के लिए लगातार सप्लाई
यहाँ पर कंपनियों की होड़ लगी हुई थी कि वह कौन सबसे अच्छा व्यापार करेगा, और जो इस प्रकार बुनकरों के जो सौदागर जो खूब मोल भाव करने लगे थे, क्योंकि जो ज्यादा पैसा देगा वह उसी के लिए वो बुनकर कार्य करेंगे इस तरह से। लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार में अपने एकाधिकार का दावा कर सकती थी, इसीलिए कोशिश ये की जा रही थी पुर्तगाली भी कि इनके शासन स्थापित ना हो। फिर देखेंगे यहाँ पर कंपनी पहला जो है, कंपनी जो है व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों को ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, क्योंकि ये बीच में व्यापारी और दलाल जो थे वह बिचौलिया का कार्य करते थे और बुनकरों को जो है कम पैसा मिलता था। इस तरह से वेतन भोग कर्मचारी जो थे वह तैनात कर दिए गए थे, जिन्हें की गुमास्ता कहा जाता था। मतलब कुछ लोगों को वेतन भोगी जो थे जहाँ पर वह बुनकर कार्य करते थे वहां पर एक व्यक्ति को लगा दिया जाता कि आपको ये कार्य कराना है और वहां से लाकर ही माल यहाँ पर देना है। दूसरा था कंपनी माल बेचने वाले बुनकरों के अन्य खरीदारों के साथ साथ कारोबार करने की पाबंदी भी लगा दी थी, जिससे पेशगी की रकम उन्हें दी जाती थी कि यह कार्य आपको इतने दिन में करके हमको देना है। इस तरह से बुनकर जो है वह कच्चे माल को खरीदने के लिए भी उनको कर्जा दिया जाता था और कर्जा लेते थे और अपना कार्य वे करते थे। जैसे जैसे कर्ज मिलते गए उस तरह से कपड़े की मांग भी बढ़ने लगी थी, क्योंकि उस तरह उनका कार्य भी तेजी से होने लगा था और साथ साथ कमाई के आस में बुनकरों पेशगी जो स्वीकार करने लगे थे। इससे बहुत सारे बुनकर जो थे जमीन के छोटे छोटे पट्टे थे जिन पर वे खेती करते थे, वे उससे परिवार की जरूरतों को भी वे पूरा करने लगे थे। इस तरह से पहले जो आपूर्ति जो है सौदागर अक्सर बुनकर के गाँव में ही रहते थे, लेकिन अब नजदीकी के ताल्लुकदार जो होते थे वे पूरा कार्य करने लगे थे। फिर इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर जो था उसमें मालों की जो भरमार थी, वहां पर मशीनों के बनने वाली आयातित कपास उत्पाद इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, और साथ ही साथ बुनकर इलाकों में गिरावट और बेकारी की किस्मों की भरमार थी, जिसमें कि बुनकर जो सामने आए और समस्या भी खड़ी हो गई थी, क्योंकि उस समय अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुआ था और साथ ही साथ वहां कपास की आमद भी बंद हो गई थी। इससे धीरे धीरे जो उनकी कीमत में आसमान छूने लगी थी और जैसे भारतीय बुनकर कच्चे माल के लाले पड़ गए थे, क्योंकि कच्चा माल मिलना वहां पर कम हो गया था। इस तरह से आखिर में बुनकरों कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई थी, जिसमें कारखानों का उत्पादन होने लगा था और मशीनों की बनी चीजों से पट गया था, जिससे कि उद्योग किस तरह से कायम रह सकता था, क्योंकि जो हाथ से बनते थे वो वस्तुएं महंगी पड़ती थी और जो मशीनों से उत्पादन होता था वो सस्ती होती थी और नरम होती थी। इस तरह से भारतीय किसान जो थे उत्पादन जो मशीनों से होने लगा था, इस तरह से उनकी समस्या और भी बढ़ने लगी थी। फिर फैक्ट्रियों का आना, फैक्ट्री किस तरह से आए, बम्बई में पहली कपड़ा मिल जो था वह 1854 में लगी थी और इसमें उत्पादन होने लगा था, और 1862 तक उसमें ऐसी चार मिलें और काम कर रही थी जो कि तेजी से तकलियां और इस तरह से 2.150 लोग उसमें करने लगे हुए थे, जो कि तेजी से जूट से उसमें सूत काटा जाता था और उनको सूत बनाया जाता था। उसके बाद फिर इसके साल भर बाद फिर अहमदाबाद में भी पहली कपड़ा मिल लगी जो चालू हो गई थी। उसके बाद फिर मद्रास में पहली कताई और बुनाई की मिल खुल गई थी। इस तरह से फैक्ट्रियों का आना प्रारंभ हो गया था। फिर प्रारंभिक उद्यमी, जो प्रारंभिक उद्यमी थी वो किस तरह से, हम यहाँ पर देखेंगे कि जो इतिहास है हम यहाँ पर देखेंगे समूह में इतिहास चीन के साथ व्यापार के जमाने से चला आ रहा था। जैसा कि पिछले साल की किताब में भी आपने पढ़ा होगा कि 18वीं सदी आखिर तक अंग्रेज भारतीय अफीम का चीन से निर्यात करते थे और उसके बाद चीन से चाय खरीदते थे। तो इस तरह से इंग्लैंड जब आती थी तो व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबारी सहायक की हैसियत से वहां पर पहुंच जाते थे और उनको पैसा उपलब्ध कराते थे। व्यापार में पैसा कमाने के बाद उसमें से जो कुछ व्यवसायी भारत औद्योगिक उद्यम स्थापित करना चाहते थे, बंगाल में भी इस तरह से द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और उद्योगों को निवेश करा। फिर 1830-1840 के दशक में 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाई गई थी, जिसमें की व्यापक व्यवसायिक जिसमें साथ साथ टैगोर के उद्यम के पैठ बन गई थी। फिर आगे हम इस तरह से देखेंगे जिस तरह से फैक्ट्रियां आई तो उस तरह से व्यवसायी भी आए, जिनके पास पैसा ज्यादा होता था वे उन उत्पादन में पैसा लगाने के लिए तैयार होते थे। जिस तरह से हम देखेंगे जिसके काम में उद्योगपति जो है
मजदूर जो होते थे अब फैक्ट्रियां जब लगी हैं तो स्वाभाविक है वहां पर मजदूर होंगे तभी हम उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि मजदूर होगा तो मजदूर वह कार्य करेगा, काम करेगा, जिससे कि हम उत्पादन को आसानी से बढ़ा सकते। कोशिश ये की जाती थी मजदूर जो है आसपास के जिलों से हों और कारीगर जो है गांव में काम करने ही मिलता था तो वे भी बाहर जाते थे, उद्योगों में कार्य करते थे। इस तरह से ज्यादातर लोग कानपुर जिले के ही गांवों से आते थे जो कि मिल मजदूर के रूप में वहां पर कार्य करते थे और साथ ही साथ वहीं रहते भी थे और फसलों की कटाई व त्योहारी के समय में वे गांव लौट जाते। जिस तरह से हमने पहले आप लोग बताया कि समय समय पर मजदूर जो है शहर में आता है, काम करता है और वापस खेती के काम के समय में, स्थानीय काम के समय में वापस लौट जाता है। इस तरह से हम देखें उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं संयुक्त प्रांत जो है लोग मुंबई कपड़ा मिलों में, कलकत्ता के जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंच रहे थे, क्योंकि उनको मजदूरों को कार्य काम की आवश्यकता थी। फिर यहाँ पर भी नौकरी पाना हमेशा मुश्किल होता था। हम देख रहे हैं कि हालांकि यहाँ मिलों में संख्या बढ़ती जा रही थी लेकिन उसके बाद भी मजदूरों की मांग भी बढ़ रही थी। जिस तरह से उद्योग स्थापित हो रहे थे, कारखाने स्थापित हो रहे थे, फैक्ट्रियां बन रही थी तो मजदूरों की डिमांड भी बढ़ती चली जा रही थी। इस तरह से मिलों की संख्या भी बढ़ रही थी, साथ ही साथ मजदूरों की संख्या भी, मांग बढ़ती चली जा रही थी। इस तरह से संख्या मजदूरों की बढ़ती चली जा रही थी। इससे कई बार ऐसा होता था कि इन सब तोहफों की मांग करने लगे थे और मजदूरों की जिंदगी भी नियमित करने लगे थे। इस तरह से और मजदूरों की जो व्यवस्था थी वह शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से गांव के गहरे तौर पर वे जुड़े होते थे, इसलिए जाकर फसलों की भी कटाई भी करता था और खोकड़ी भी करता था और धान काटने की पार्टी में गन्ना काटने गांव में भी चले जाते थे। इससे हम देखेंगे कि कुल औद्योगिक श्रम शक्ति में उनका अनुपात बहुत छोटा हुआ करता था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो फैक्ट्री या औद्योगिकरण की स्थापना हुई किस तरह से हमने विकास किया और उत्पादन में हमने तेजी से वृद्धि की ताकि लोगों को भी बेरोजगारी दूर हुई, साथ ही साथ उनको काम मिला और उनके जो आर्थिक स्थिति वह भी सुदृढ़ होती चली गई।